सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए भैया सुर के बहार के। लइका सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए बाबू सुर के बहार। सुर और लइके ताले अनोखा शहंशाह होशियार, यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार, यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार। लइका सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए भैया सुर के बहार। सुर और ताल के युद्ध अनोखा शहंशाह होशियार, यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार, अरे यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार। तो आज हम फिर से मनोज तिवारी अपना हिंदुस्तान के सुर प्रेमी जहान के, अपने तो झुक के बाकी भोजपुर या सिनातान के, हम आप लोग के स्वागत करते हैं सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध में। एक तरफ यूपी बा, एक तरफ बिहार बा, वैसे तो अपन परिवार बा, लेकिन युद्ध के सपना बिल्कुल वो निर्णय खातिन बेकरार बाटे, जहां पता चली कि के बनी हमनी के भोजपुरी संगीत के सिरमौर। कल कोई सवाल न उठे कि भोजपुरी संगीत कितना बड़ा महासंग्राम में आप लोग कुछ छूटल छटकल लोगन के मौका नहीं देला, तो हम ऐसन तो हम मत नहीं लेब, हमने के मौका दहल जाई। होखे कोई सुर के संग्रामी जे दे सकेला अगर चुनौती हमनी के उत्तर प्रदेश और बिहार के टॉप 6 लोगन के, तो ओकर स्वागत बाटे। और आज कुछ लोग एह लायक बुझाइल जकरा के लेके हमनी के आईनी चाहिए जिंगा। वाइल्ड कार्ड खातिनी मंच बाटे तैयार। आज एगो कुर्सी खाली रहेला हमनी के अतिथि जज के। आज वो अतिथि जज के कुर्सी पर हमनी के हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा फिल्म के डायरेक्टर के पत्नी के रूप में उनकर पहचान न भइल, उनकर पहचान भइल एक वैसन सिंगर जे गौली जबा पे लागा लागा रे नमक। इसका जोरदार ताली से स्वागत करें जा रेखा भारद्वाज जी के। जब पे लगा
जोरदार ताली आज हमनी के सुर संग्राम में उस शख्सियत खड़ा बाड़ी जिनका गाना पे संसार में के नाई झुमल होई। शुक्रिया। इस सुर संग्राम के बारे में आप कब सुनली, का कह सकीला, लोग जानल चाहता। देखिए, जब सुर संग्राम शुरू हुआ, बस सुर की बात हुई तो मैंने सुन ली, और ये अच्छा मौका है जो मुझे अच्छा लगता है कि जो गांव में हैं या छोटे शहरों में हैं लोग, जिनको ये मौका नहीं मिलता कि स्टेज एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस पे उन्हें अपनी कला का एक प्रदर्शन करने का मौका है, तो ये मेरे ख्याल से काबिले तारीफ ये बात है। और मुझे खुशी है कि मैं इसमें गेस्ट जज के तौर पे आज मुझे सुनने का मौका मिलेगा इन आर्टिस्ट को। वाइल्ड कार्ड के सिस्टम में कबो कबो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, और वाइल्ड कार्ड ही एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें कभी कभी हमें रामसीस मिल जाते हैं। चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो चोरों और घुसखोरों को हथकंडा लगा दिया जाएगा, और विज्ञान इसी तरह से बढ़ता रहा तो अब सरसों को बढ़ा करके बंडा बना दिया जाएगा। रे 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 कि फैशन इसी तरह से बढ़ता रहा कि फैशन इसी तरह से बढ़ता रहा तो अर्ध नंगों को नंगा बना दिया जाएगा, और चप्पल की ऊंचाई इसी तरह से बढ़ती रही तो हर सैंडल के नीचे अब डंडा लगा दिया जाएगा। आई रे 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 अरे आरा जहिबू की पटना जहिबू अरे की जहिबू खैरुल्ला में काहे जिले भी के तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जिले भी के तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, अरे काहे जिले भी के तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जिले भी के तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला। रामाशीष जी हमनी के सुर संग्राम में वाइल्ड कार्ड के देन रहले, और आज हमनी के इनका के ही खातिर बोलैनी है जा
कि दुनिया देखे कि वाइल्ड कार्ड में कैसन कैसन हीरा निकल के आ जाली। गांव से जिनका कबो बड़ा मंच पे गावे के मौका नहीं मिलल, रामसिस बागी के गीत वाइल्ड कार्ड के मतलब समझा देले बा। और सबसे पहले हम बुला रहल बनी बिहार के आन। मैं नीलम गुप्ता रांची झारखंड से, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। इनका के वापस वाइल्ड कार्ड में मौका दिहल जाए। नीलम आज वापस आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मैंने अपनी किस्मत को मुट्ठी में बांध लिया है, बस इंतजार है, मैं उसको सुनना चाहती हूँ। नीलम जी एक बार फिर से तैयारी करके वाइल्ड कार्ड में आयल बाड़ी। इनका खातिर हमनी के रेखा जी के नंबर नहीं बतावल जाए, इनका खातिर हमनी के रवि किशन जी के नंबर नहीं बतावल जाए, इनका खातिर आज कल्पना जी और मालनी जी अपन नंबर बताइब जा। वापस आप मेरे हिसाब से एक फुल एटीट्यूड के साथ आई और वो एटीट्यूड दिखा, और इसको एडमिट मुझे जरूर करना होगा। जो भी तीन तीन अभी कॉन्टेस्टेंट्स है यूपी एंड बिहार में जी, उसमें से एक वेरिएशन बन के आप जरूर आए, एक वैरायटी, एक अलग रंग मुझे जरूर दिखा। और नंबर है 31। थैंक यू मैम। मुझे आपकी आवाज़ की ताजगी और आपकी इस विधा के प्रस्तुति ने मेरा दिल जीता है, मेरी ओर से नंबर 30। मालनी जी की तरफ से 30। आपके रवि जी के और रेखा जी के नंबर नहीं पता चली, लेकिन रेखा जी कुछ इनके खातिर कहब तो। ताल में तुमने एकदम गाया, और जो इनफैक्ट जब दुगुन भी की बाद में, और उसमें भी वो पेस को मेंटेन करना बहुत बहुत अच्छी बात है। सुर के लिए हाँ, आप रियाज कर सकती हैं, खड़ा सुर भी लगाएंगी अगर सा पे ओम बोलकर, जहाँ सुर सही लगता है, लगते लगते कम रह जाता है थोड़ा, कहीं आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो कंट्रोल आपका अपनी वॉइस पे होगा, उसके लिए थोड़ा सा रियाज करें तो और अच्छा होगा। थैंक यू मैम। कला माई का गुहार लगेलू तो कोशिश करें कि न्याय मंडल के पसंद आए, लेकिन बुलंदी बहुत रहे, ताजगी बहुत रहे, और बाकी सब कुछ अपन कमती ज़्यादा तो बेसी पता चल गई हो, ओकरा के ध्यान में रखी।
स्वागत बा। जाके अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। नीलम जी के बाद अब बारी बाटे वाइल्ड कार्ड के एपिसोड में ओह महासंग्रामी के, जो उत्तर प्रदेश के तरफ से आपन दावा प्रस्तुत करे वाले बाड़े। ध्यान से कान खोल के और सारा तन्मयता से चेक करे के बाकी का ई चुनौती दे सकेले हमनी के यूपी के शान के। हंसी मजाक में हम अपना उत्तर प्रदेश के सम्मान के लड़ाई में कब पीछे रह गई हमारा खुद ना मालूम चल रहा। विशाल के एक बार और सुन करके हम लोगन के फिर से इत्मीनान हो जाए कि हम लोगन से कोनो चूक तो नहीं ने भाई। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े है भगवान बड़ी फुर सत से तोहरा के बनौले बाड़े। गाना आप लोग सुन रहल बनी जा, ये लोग आज वाइल्ड कार्ड के मार्फत दोबारा दावा पेश कर रहल बटे, चुनौती दे रहल बटे हमनी के यूपी के शान लोगन के और बिहार के आन लोगन के। इनका के कितना नंबर दे कल्पना जी? जिस मोड़ पे आप आउट हुए थे, जिस पॉइंट पे आप गए थे, आप अभी भी मेरे हिसाब से वही हो। मैं बहुत खुश नहीं हूँ, मीन्स मैं निराश हूँ, और नंबर है 20। कल्पना ने जो बोला है उससे कुछ हद तक मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी ओर से आपके लिए आज नंबर 32। 32 नंबर और 20 नंबर, नंबर में तो काफी अंतर बा, लेकिन लगभग कमेंट समान बाटे। रेखा जी के कैसा लगल विशाल जी के गीत, हमने के जानना चाहल जी? विशाल, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस का अंदाज है वो बहुत अच्छा है, लगता है सारी जो तवज्जो है वहां ज्यादा दी है। यहाँ पे परफॉर्मेंस है, मतलब प्रेजेंटेशन पे हमें मार्क्स देने, लेकिन आप गाना कौन सा चुन रहे हैं? तो आपको ऐसा गाना चुनना है जिसमें आपकी जो बेहतरीन जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो आ सके, तो अगली बार आप वो ख्याल रखना, ठीक है जी? रवि भैया, इनके खातिर कुछ दिशा निर्देश? इतना बड़ा मंच दोबारा फिट आई तरह के तो पगला जाए के छात्र है, हमनी लोगों के पगला दे के छात्र है। हर हर महादेव जीवन में, लेकिन आगे जरूर बढ़िया का भाईल,
ये तो समय बताई, आज के दिन दो ही लोग जाई, बाकी अगला एपिसोड में जाई के रह जाई, जे जिंगा हर बार करी मजेदार परफॉर्मेंस उहे रह जाई, मचल बाटे घमासान। हमेशा पहले की आगे कोई के बुलाई, ले एक छोटा सा विराम, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली तो सिर्फ सुर के धार, देखत रही जाई घमासान, सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध।